की है, उसके बाद सवाल तो किसान आंदोलन पर उठ रहे हैं कि अगर मंच के पास इस तरह की घटना होती है तो फिर जो संगठन है किसान मोर्चा वो कैसे पल्ला झाड़ सकता है। तो हमारे सहयोगी, तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आप ये बताइए कि आपने बोला कि 2 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि जो कल घटना हुई है, देखिए तस्वीरें भी हम पूरी तरीके से नहीं दिखा पाए, इसमें यह बात सामने आई थी कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि निहंग समूह के कुछ लोग खुले तौर पर मीडिया के सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई फिर से करेगा तो फिर से यही सलूक होगा। जी देखिए जसप्रीत, बिल्कुल जिस तरह से जिस मंशा के साथ किसान आंदोलन आज से 11 महीने पहले शुरू हुआ था, उस समय तो लग रहा था कि सरकार के साथ इनके कुछ गतिरोध हैं जो कृषि कानून बिल है उसको लेकर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और हमने देखा है कि सिंगू बॉर्डर पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे और किसान आंदोलन की जो दिशा और दशा है वो कहीं ना कहीं भटकती नजर आई। चाहे समयपुर बादली के SHO की बात कर लें जिनके ऊपर हमला हुआ, इसके अलावा जो अलीपुर थाने के SHO उनके ऊपर तलवार से हमला हुआ, स्पेशल ब्रांच के कई अधिकारियों को बुरी तरह पीटा गया, इसके अलावा दुष्कर्म की एक घटना हुई, ये ऐसी घटना है जो लगातार चर्चा में रही और ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को कलंकित करती आई। लेकिन इस बार आप देखिए जिस तरह से बर्बरता के साथ एक शख्स की पीट पीट के हत्या कर दी गई है, संयुक्त किसान मोर्चा जो बढ़ चल कर हर मसले पर आगे आता है वो कहीं ना कहीं अब इससे पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। चाहे राकेश टिकैत की बात करें या कल जिस तरह से 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बिल्कुल तो आनंद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि भले ही आप पल्ला झाड़ ले तो क्या कहा जाएगा कि आपकी पकड़ जो है कमजोर हो चुकी है, इस आंदोलन से दिशा बदल चुकी है। इस बीच देखिए तमाम ट्वीट आ रहे हैं, अमित मालवी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने सवाल उठाया है राहुल गांधी पर। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट में ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पंजाब के दलित मुख्यमंत्री भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी दे। तो ये अब देखिए ये सवाल यहाँ पर कहे जा रहे हैं और लगातार अब लखबीर सिंह की नृशंस हत्या के 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं किया, ये अमित मालवी ने ट्वीट किया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह हुए एक धमाके से हड़कंप मच गया। वहां एक ट्रेन की बोगी में यह धमाका हुआ। बताया गया कि जिस बोगी में यह धमाका हुआ उसमें CRPF के जवान यात्रा कर रहे थे। धमाके के वक्त ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। इस धमाके में CRPF के 3 जवान घायल हुए जबकि 2 जवानों को कुछ चोटें आई हैं। घायल जवानों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद CRPF ने बताया कि CRPF के जवान ट्रेन के कोच में कुछ बॉक्स रख रहे थे, उसी दौरान डेटोनेटर का एक डिब्बा गलती से फर्श पर गिर गया और इसी वजह से वहां पर यह धमाका हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह यह बड़ा धमाका वहां पर हुआ था और जब धमाका हुआ था तो इस इलाके में हड़कंप मच गया। इट वॉज अ माइनर ब्लास्ट ऑफ अ डेटोनेटर, तो एक ट्रांसपोर्टेशन में वो ड्रॉप किया था जिसे माइनर इंजरी हुई है। ऑल बॉयज आर आउट ऑफ इट। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आदित्य का। आदित्य, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट? जी देखिए, ये जो ट्रेन है ये झारसुगुड़ा से दिल्ली की तरफ जा रही थी और लेटेस्ट अपडेट ये पता चला हुआ है कि जो जवान थे ये जवान रायपुर रेलवे स्टेशन से ही दिल्ली जाने के लिए निकले थे। 3 कंपनियां इस ट्रेन में जो है 3 कंपनियां थी CRPF की और इन्हें अलग अलग जगह से उड़ीसा छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों से कंपनियां दूसरी जगह पर डिप्लॉयड की जा रही थी। जिन इलाकों में इलेक्शंस है वहां पर ये कंपनियां भेजी जानी थी और कई और सेंसिटिव जो जगह है वहां पर ये कंपनियां भेजी जानी थी। रायपुर से एक 211 बटालियन है CRPF की, 211 बटालियन की एक टुकड़ी इस ट्रेन में चढ़ी थी। सुबह 6:30 बजे का वक्त था और डेटोनेटर जो है हेवी आर्म्स और एम्युनिशन थे CRPF के जवानों के पास और जब ये ट्रेन में आर्म्स एम्युनिशन चढ़ाए जा रहे थे। जी ठीक है आदित्य, लेंगे आपसे अपडेट। वहीं इस घटना के बाद कई अधिकारी भी घायल जवानों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इन लोगों ने डॉक्टरों से भी बातचीत की और घायल जवानों की हालत के बारे में जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि धमाके में एक जवान को गंभीर चोटें आई हैं जिसका इलाज किया जा रहा है।
आक्सीजन के कारण जो चोटें लगी हैं उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। सर में जो चोट है वह थोड़ी गंभीर है क्योंकि वहां पे उनके फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर हो गया है, जो डिप्रेस फ्रैक्चर है और थोड़ा कंफ्यूजन ब्रेन में दिख रहा है, लेकिन ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है, थोड़ी देर भी हम उसको ऑपरेशन में लेंगे, फ्रैक्चर का फिक्सेशन करके हम फ्रैक्चर का फिक्सेशन करके हम स्थिति ठीक है, अभी स्थिति ठीक है।